तो अभी तक हमको अनुमान प्रमाण के सारे टर्मिनोलॉजी सारी ये जो सारे टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर हो गए, जिसमें हेतु, साध्य, पक्ष, पक्षधर्मता, व्याप्ति, दृष्टांत, लिंग परामर्श, पक्षधर्मता, ये सारे टर्म हमको फ्लो चार्ट से क्लियर हो गए हैं। हमने ये फ्लो चार्ट ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अभी हम पढ़ेंगे अनुमान प्रमाण का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम, मतलब इसमें हमें अनुमान प्रमाण के बारे में बताया गया है, जिसमें हेतु, साध्य और पक्ष के बारे में हम पढ़ते हैं। सो प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद है डेरिवेशन, अनुमान प्रमाण की निरुक्ति कैसे हुए। सो अनुमीयते इति अनुमानम, जिसमें अनु मतलब पश्चात है, पश्चात मतलब आफ्टरवर्ड्स, बाद में, और मान मतलब ज्ञान या नॉलेज। सो अनुमान का मतलब है आफ्टरवर्ड्स नॉलेज, मतलब जो प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद जो नॉलेज प्राप्त होता है वो होता है अनुमान। यहाँ पे एक सीक्वेंस में भी दिया है जिसमें बोला है कि पूर्व ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और आप्तोपदेश और पश्चात ज्ञान अनुमान ज्ञान है, मतलब जो प्रीवियस नॉलेज है वो है प्रत्यक्ष ज्ञान और जो आफ्टरवर्ड्स नॉलेज है वो है अनुमान ज्ञान या फिर अनुमान प्रमाण। यही ये श्लोक का मीनिंग है, अनुमीयते इति अनुमानम। उसके बाद है अनुमान का लक्षण। अनुमान का लक्षण क्या है, अनुमिति कारणम अनुमानम, अनुमिति के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है वो है अनुमान, मतलब अनुमिति के द्वारा, अनुमिति का जो ज्ञान है वो हमें जिसके द्वारा होता है वही है अनुमान प्रमाण। सो अनुमिति क्या होता है, अनुमिति क्या होता है, साध्य और पक्ष के बीच में जो संबंध है वो है अनुमिति। सो अनुमिति ज्ञानम साधनम अनुमानम, मतलब अनुमिति के द्वारा ही हमें अनुमान प्रमाण का ज्ञान होता है, मतलब जो भी हम पढ़ते हेतु साध्य और पक्ष उसको हम अनुमिति का ज्ञान बोलते हैं, और जिसके द्वारा हमें ये सब अनुमिति का या फिर हेतु साध्य पक्ष का ज्ञान होता है वही अनुमान प्रमाण है। ये हो गए इसके सारे लक्षण के श्लोक। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण के टाइप्स कैसे कैसे है, चरक के अकॉर्डिंग, न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग, तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग और न्याय वर्तिका के अकॉर्डिंग। चरक के अकॉर्डिंग है भूतकालीन, भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन। न्याय के अकॉर्डिंग है शाश्वत, सामान्य, दृष्टवत और पूर्ववत। तर्क संग्रहकार के अकॉर्डिंग है स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। न्याय वर्तिका के टाइप है लिंग पूर्वक या फिर लिंगी पूर्वक। एक और क्लासिफिकेशन भी है जिसमें केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वयी व्यतिरेकी है। सो हम एक एक क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे अभी, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनुमान प्रमाण अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन। न्याय दर्शन ने तीन टाइप के हमें अनुमान प्रमाण बताए हैं, जिसमें पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्य दृष्टवत अनुमान। पूर्व मतलब कॉज ऑफ, कॉज बाय सीइंग द कॉज इफेक्ट इज असेस्टेड, मतलब कॉज के को देख के हम इफेक्ट को असेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने सीड बो करने के बाद सोचा कि फ्रूट प्रोड्यूस हो सकता है, क्लाउड्स को देख के हमें ज्ञान हुआ कि रेन आ सकती है। सो ये था पूर्ववत अनुमान, मतलब पूर्व मतलब पास्ट, मतलब कॉज को देख के हमने इफेक्ट को असेस किया, फ्रूट को देख के हमने असेस किया कि सीड बो हुआ होगा, रेन को देख के हमने अंदाजा लगाया कि क्लाउड्स आए हैं। सो ये था पूर्ववत अनुमान, हमने पहले ही देख के अनुमान लगा लिया। शेषवत अनुमान मतलब बाय सीइंग द इफेक्ट कॉज इज एस्टिमेटेड, इफेक्ट जो होने वाला है उसकी वजह से हमने कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया, जिसका एग्जांपल है प्रेगनेंसी क्यों हुई होगी अगर कोइटस है। सो हमने कोइटस से अंदाजा लगाया कि प्रेगनेंसी हो सकती है, ये एक एग्जांपल है शेषवत अनुमान का। आखिरी में हम पढ़ेंगे सामान्य दृष्टवत अनुमान। सामान्य दृष्टवत मतलब जो देख के हमें पता चल रहा है, सामान्य मतलब जनरल, दृष्ट मतलब देख के, मतलब इसमें हम दिखेंगे इन्फ्रेंस ऑफ प्रेजेंट, जैसे धूम के साथ अग्नि का रिलेशन, मतलब स्मोक और फायर का रिलेशन, इच्छा और दुख का आत्मा में जो दिख रहा है वो है सामान्य दृष्टवत अनुमान। सो ये थे न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग तीन टाइप्स के अनुमान। उसके बाद हम पढ़ेंगे तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग दो टाइप्स। सो ये इसका एग्जाम्पल है अनुमान द्विविधः स्वार्थ परार्थ च, मतलब तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग अनुमान द्विविधा, मतलब दो टाइप के है, स्वार्थ और परार्थ। तो स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान मतलब कन्फाइंड टू वन सोर अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये ऐसा अनुमान है जिसमें जो अंडरस्टैंडिंग है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो सिर्फ जो इंसान पढ़ रहा है उसी को ही होता है। तो वन सोर अंडरस्टैंडिंग मतलब ये खुद को समझने के लिए जो अनुमान है वो है स्वार्थ अनुमान। जिस और दूसरा टाइप है परार्थ अनुमान,
परार्थ अनुमान मतलब इन्फरेंशियल नॉलेज डेमोन्स्ट्रेटेड एंड कन्विंस टू अदर, मतलब दूसरों को देने वाला जो अनुमान ज्ञान होता है वो होता है परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान मतलब खुद के लिए जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो स्वार्थ अनुमान, स्वार्थ मतलब खुद के लिए, परार्थ परार्थ मतलब पराया मतलब दूसरों के लिए जो ज्ञान होता है वो होता है परार्थ अनुमान। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट दिया है जिसके थ्रू हमें स्वार्थ अनुमान हो सकता है। हेतु पक्ष साध्य पक्ष धर्म और व्याप्ति। हेतु मतलब हमारा कॉज क्या है जो है स्मोक, साध्य मतलब हमें क्या दिख रहा है इनविजिबल क्या है वो है फायर, पक्ष मतलब प्लेस मतलब कहाँ दिख रहा है पर्वत पे माउंटेन पे, पक्ष धर्मता मतलब हेतु और पक्ष के बीच में संबंध, हेतु क्या था स्मोक और पक्ष क्या था प्लेस मतलब माउंटेन, व्याप्ति मतलब हेतु और साध्य के बीच में संबंध, हेतु क्या था धूम और साध्य क्या था वहीनी। सो ये चार टर्म पांच टर्म्स हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो ये स्वार्थ अनुमान था और परार्थ अनुमान, स्वार्थ मतलब खुद के लिए, परार्थ मतलब दूसरों को। जब हम अनुमान प्रमाण एक्सप्लेन करते हैं, दूसरों को हम जब प्रत्यक्ष ज्ञान का आभास करवाते हैं उसको बोलते हैं परार्थ अनुमान। तो फाइव कंपोनेंट्स ऑफ पंचावय वाक्य, जो परार्थ जो अनुमान है वो है दूसरों को ज्ञान प्राप्त करवाना, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हमें जो प्राप्त हुआ है वो अगर हमें दूसरों तक पहुँचाना है तो उसको हम बोलते हैं परार्थ अनुमान। तो अगर हमें दूसरों तक ज्ञान पहुँचाना है तो उसके लिए ये पांच कंपोनेंट्स है, ये कोई भी चीज़ में ये पांच चीज़ें होनी चाहिए तभी हम उसको दूसरे को समझा सकते हैं। सो ये है फाइव कंपोनेंट्स ऑफ पंचावय वाक्य, मतलब एक वाक्य में ये पांच चीज़ें होनी चाहिए तभी हम परार्थ अनुमान का ज्ञान अन्य पुरुष को करवा सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम पाँच पंचावय वाक्य पढ़ेंगे, ये शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह परार्थ अनुमान के साधन, सो वो है प्रयत्न हेतु उदाहरण उपनय और निगम, यह है पांच पंचावय वाक्य जिसमें हेतु हेतु है। सबसे पहला है प्रयत्न मतलब प्रपोजिशन, मतलब कोई क्या प्रूफ करना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट टू बी प्रूव्ड इज प्रयत्न। जैसे कि हमने हमको यहाँ प्रूफ करना था कि आग जो है वो माउंटेन पे ही लगी है, फायर ऑन माउंटेन इज प्रयत्न। हेतु या फिर रीजनिंग, रीजनिंग टू प्रूव द प्रयत्न, क्या कॉज के लिए उसको प्रूफ करना चाहते हो वो है हेतु। उदाहरण, उदाहरण हमने कौन सा कंसिडर किया कि जो माउंटेन पे जो फायर है और जो स्मोक दिख रही है, जो फायर और हमको स्मोक दिख रही है उससे हमने अंदाजा लगाया कि वो माउंटेन पे ही होगी। सो ये था उदाहरण की एग्जाम्पल जिसको हम दृष्टांत भी बोलते हैं, जिसमें हम साध्य और हेतु का एग्जिस्टेंस का रिलेशन बताते हैं, मतलब स्मोक और फायर का रिलेशन बता रहे हैं। उसके बाद है उपनय, उपनय मतलब कन्विंसिंग और असर्शन, मतलब जो आग है या जो स्मोक है वो फायर जो हमें दिख रही है वो माउंटेन से ही है, किचन से नहीं आ रही है। तो ये हो गया उपनय या कन्विंसिंग। और फाइनली कंक्लूजन, फाइनली हमने कंक्लूड किया कि जो फायर था जिसकी वजह से स्मोक प्रोड्यूस हो रही थी वो माउंटेन से ही था, किचन से नहीं था। वही एग्जाम्पल है निगम या कंक्लूजन का। तो ये थे पंचावय वाक्य जिसमें प्रयत्न हेतु उदाहरण उपनय और निगम। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस दिया है स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान के बीच में। स्वार्थ अनुमान पर्सनल है, ये अदर्स के लिए, ये कारण रूप है, ये कार्य रूप है, ये अनौपचारिक है, औपचारिक है, ये शब्दात्मक है, ज्ञानात्मक है। नो स्प्रेड टू अदर्स, स्वार्थ अनुमान खुद के लिए होता है इसलिए नो स्प्रेड टू अदर्स। परार्थ अनुमान मतलब दूसरों के लिए होता है मतलब स्प्रेड टू अदर्स। सेल्फ डिपेंडेंट है, ये स्वार्थ अनुमान पर डिपेंड करता है। ये नो रिफ्लेक्शंस टू प्रूफ, ये पंचावय वाक्यों पर डिपेंडेंट करता है क्योंकि पंचावय वाक्य के बिना परार्थ अनुमान का ज्ञान नहीं हो सकता है। ये तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्याप्ति के भेद, या फिर व्याप्ति के भेद या फिर अनुमान का एक और क्लासिफिकेशन। अनुमान का एक और क्लासिफिकेशन यही है केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी अनुमान या फिर अन्वयी व्यतिरेकी अनुमान। सो ये एक अनुमान का क्लासिफिकेशन भी है और यही व्याप्ति के भेद भी है, केवल अन्वयी व्याप्ति, केवल व्यतिरेकी व्याप्ति, अन्वयी व्यतिरेकी व्याप्ति। सो यही अनुमान का क्लासिफिकेशन और व्याप्ति के टाइप्स भी है। इसमें केवल अन्वयी मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें एग्जाम्पल है घटो अभिधेयत्वम प्रमेयत्वम, इसमें घट है वो पक्ष है, अभिधेयत्व में साध्य है और प्रमेयत्व ये हेतु है। सो ये एग्जाम्पल था केवल अन्वयी का, मतलब पॉजिटिव अफर्मेशन। उसके बाद है केवल व्यतिरेकी अनुमान या फिर केवल व्यतिरेकी व्याप्ति, जिसमें हम पढ़ेंगे निगेटिव असर्शन के बारे में, निगेटिव चीज के बारे में, या फिर जिसका एग्जाम्पल है पृथ्वी इतर भिन्न गंध, मतलब जो गंध गुण है वो सिर्फ पृथ्वी महाभूत में ही होगा, जल तेज वायु और आकाश के बीच में नहीं होगा। तो ये हो गया निगेटिव असर्शन, मतलब गंध गुण सिर्फ पृथ्वी महाभूत में होगा और किसी महाभूत में भी नहीं होगा। उसका ये एग्जाम्पल है केवल व्यतिरेकी अनुमान का या फिर केवल व्यतिरेकी व्याप्ति का।
थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है अन्वय व्यतिरेकी, जिसमें हम अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों को कंसिडर करते हैं, मतलब जिसमें हम पॉजिटिव असर्शन और निगेटिव असर्शन दोनों को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि शीतत्व वात ज्वर में होता है लेकिन शीतत्व कफ ज्वर में भी होता है। सो ये एग्जाम्पल था अन्वय व्यतिरेक का। सो यही हो गया एक अनुमान का क्लासिफिकेशन और यही हो गया व्याप्ति के टाइप्स, केवल अन्वयी व्याप्ति, केवल व्यतिरेक व्याप्ति और अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति। उसके बाद हम पढ़ेंगे दृष्टांत। दृष्टांत क्या है? एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है व्याप्ति का, और व्याप्ति क्या है? साध्य और हेतु के बीच में संबंध। उसके बाद है हेतु या लिंग भेद, मतलब व्याप्ति के भेद। इसमें है केवल अन्वयी व्याप्ति, केवल व्यतिरेक व्याप्ति और अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति, जो ऑलरेडी हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है अनुमिति ज्ञान साधन, मतलब अनुमिति का ज्ञान हमें किसके द्वारा हो सकता है, उसके लिए साधन है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पक्ष, साध्य, हेतु, व्याप्ति, पक्ष धर्मता, परामर्श, पक्षता, दृष्टांत और उपाधि, ये सारे अनुमिति ज्ञान के साधन है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग के फ्लो चार्ट में। हमें ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। पक्ष, पक्ष में भी क्या है? सपक्ष और विपक्ष। सपक्ष मतलब ट्रू प्लेस, डेफिनेट एग्जिस्टिंग प्लेस। विपक्ष मतलब एब्सेंस ऑफ साध्य, मतलब जो ट्रू प्लेस नहीं हो। तो सपक्ष मतलब इसका एग्जाम्पल था माउंटेन, मतलब जहाँ एक्चुअल में साध्य प्रूफ होता हो। उसके बाद साध्य, हेतु, व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति के भी तीन टाइप्स, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति और अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पक्ष धर्मता और परामर्श। लास्ट में पक्षता, दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल और उपाधि, ये सारे ही अनुमान प्रमाण के ज्ञान के साधन हैं।